नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, आज मेरे साथ हैं रवि मेहता जी और मेहता फिटनेस क्लब के आप ऑनर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, ट्रेनर हैं, जो भी आप कहिए। एक युवाओं के बीच, खासकर जो तैयारी करते हैं उनके बीच आप लोकप्रिय हैं। मेहता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने हमारा परिचय लिया। मेहता जी, ये बताइए, क्योंकि हमने कई बार आपके बारे में जाना है और एक क्यूरियोसिटी है हमारे दर्शकों को भी, आपके बारे में जानने के इच्छुक हैं लोग। आपने ठीक है उस जगह साइकिलिंग की है, आपने रनिंग की है, जहाँ पर एक हाई एल्टीट्यूड, मैं लद्दाख की बात कर रहा हूँ, उस जगह पर जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, उस जगह पर भी आपने एक तरह से रनिंग और साइकिलिंग की है। और ये फ़ोटोग्राफ्स इन्हीं के हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। और भी कई सारी चीज़ें आपने एक उपलब्धि हासिल की है, तो एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइए थोड़ा अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, ताकि एक मोटा मोटा जानकारी, हालांकि बहुत से लोग जानते हैं आपके बारे में, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं वो हमारे दर्शकों को पता चले। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सर, मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूं, और आज भी मैं ऐसे घर से आता हूं कि आज इस टाइम पे भी सन 2022 में भी, जहां की चक्की आपको आटा अगर पिसाना है तो वहां 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है, आपको कुछ भी लेना पड़ता है, तो मार्केट बहुत दूर है हमारे यहां से, और मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, तो काफ़ी चीज़ें मैंने करी हैं। मेहता जी, थोड़ा हमें ये बताइए, जब आप लद्दाख गए, वहाँ का एल्टीट्यूड इतना हाई होता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, कैसे आपने सोचा कि वहाँ पर आप साइकिलिंग करेंगे, आप रनिंग करेंगे? क्योंकि मोटरसाइकिल जब हम देखते हैं, मोटरबाइक जब जाते हैं, तो मोटरसाइकिल का इंजन ही बैठ जाता है, कहाँ तो आप साइकिल की बात कर रहे हैं। दरअसल ना सर, मैं पहले से ही काफ़ी मतलब ऐसे घर से हूँ कि बहुत गरीब घर से हूँ, तो बचपन से ही संघर्ष करना सीखा है, और मुझे जो मुश्किल चीज़ें होती हैं ना, वो करने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि जहाँ लोग कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ रवि मेहता आपको करके दिखाएगा। ये चीज़ें साबित भी करी हैं, आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आज समाज में दिख रही हैं सबको, बिल्कुल धीरे धीरे। तो यही था कि लद्दाख, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है वहाँ पर, तो मेरा एक ड्रीम भी रहा है, तो ये साथ वाले फ्रेंड और उनकी वजह से ही पूरा हुआ है, जहाँ पर मैंने साइकिलिंग करी, रनिंग करी। तो पेंगोंग लेक आपने सुना होगा, जो कि चाइना बॉर्डर से लगभग 40 या 45 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर भी मैंने 7 किलोमीटर की नॉनस्टॉप रन करी, तो उस समय एक दिल को मतलब बहुत तसल्ली मिली कि हाँ, मतलब मैं यहाँ सर्वाइव कर ले रहा हूँ, तो मैं कहीं भी कर लूँगा। अच्छा, ये बताइए, जब हमारी रनिंग की बात हुई है कि हाई एल्टीट्यूड में आपने रनिंग की है, आपने रनिंग में ही कई सारे मेडल्स भी जीते हैं, और उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। कई सारे मैराथन रेस भी आपने फिनिशर के तौर पर एक तरह से उपलब्धि हासिल की है, उसके बारे में बताइए। सर, मैंने बहुत सारी रेसें भी जीती हैं, और मैं कुछ टाइम पहले दिल्ली में था, कोविड के उससे यहाँ पर आ गया, घर आ गया, तो दिल्ली में एक रनर के तौर पे था मैं वहाँ पे, और वहाँ पर छोटी मोटी जॉब भी कर रहा था, क्योंकि दिनचर्या आपको ऐसी नहीं चलती है, तो वहाँ पे मैंने 42 किलोमीटर, जो कि बहुत मतलब मुश्किल होता है, तो 42 किलोमीटर की रन भी मैंने फिनिश की है, तो बहुत मुश्किल हुआ उस समय वो चीज़ें करना। अगर मेरा मकसद उसका पूरा करने का यही था कि युवाओं को एक जागरूक करना, एक ये चीज़ें, जब मैं ऐसे गाँव से आता हूँ कि जहाँ पर स्पोर्ट्स को इतनी मान्यता नहीं दी जाती है, और यहाँ पर स्टेडियम वगैरह उसी चीज़ें हैं नहीं, तो उनकी मतलब एक अंदर से जागरूकता की भावना को जगाना, उनकी भावना को स्पोर्ट्स के प्रति जगाना, ये चीज़ें मैंने करी थी दिल्ली में। तो बहुत मुश्किल रहा, मतलब एक 42 किलोमीटर का सफ़र ना, कि 37 किलोमीटर के बाद तो मेरे पैर, वाकई में आप 37 किलोमीटर बहुत होता है, तो 42 जब लास्ट बच जाता है तो बड़ी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन शायद वो उत्तराखंड की वो चीज़ होती, क्योंकि हम ऐसे मिट्टी में जन्म लिया है, वाकई में ना एनर्जी ऑटोमेटिक आ गई, वो चीज़ है ना। तो बाकी चीज़ें करी हैं सर काफ़ी, आज मेरे मेडल भी मैं लेके आया हूँ कुछ बहुत यहाँ पे, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा जल्दी अभी। आप देख रहे हैं कि इनकी फिजिक्स जो हम दिखा रहे हैं ये स्क्रीन पर, कि ये मेहता जी की फिजिक्स है, और आप देखिए कि जो हम एक तरह से दिखाते हैं कि जो मेहता जी बात कर रहे थे कि उत्तराखंड की मिट्टी से जो जन्मा है, उसकी एक तरह से नेचुरल फिजिक्स भी आप देखिए तो वो बन जाती है, और ख़ास कर ये इनकी मेहनत है जो इस तरह की आप फिजिक्स देख रहे हैं स्क्रीन पर। मेरा ये एक सवाल है, आप बच्चों को ट्रेन भी करते हैं,
तो ये मन में कैसे आया कि मैं इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स खोलूं और बच्चों को एक तरह से जो फिजिकल के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में बताऊं? सर देखो, अगर आपके अंदर शिक्षा अगर है, आपने ग्रहण की, तो उसको समाज में फैलाओ। तो कोविड के टाइम पे मैं घर आया था, तो काफ़ी इस इलाके में देख रहा था कि काफ़ी चीज़ें शिकायतें आती हैं, जैसे कि एक नशे के खिलाफ, जैसे छोटे छोटे बच्चे एक नशे की तरह गिरफ्त में लगातार जा रहे थे। अगर सर किसी बच्चे की या किसी भी लड़के की अगर डायरेक्शन सही ना हो, उसे दिशा नहीं दी जाए, तो वो भटकेगा सर। तो उसी को दिशा देने के लिए, वो चीज़ें करने के लिए मैंने काम शुरू किया। आज सैकड़ों सैकड़ों बच्चे सुबह तैयारी करते हैं और शाम को करते हैं। खुद मैं साइकिल से प्रॉपर 50 किलोमीटर सर आज मैं साइकिल से जाके उनको तैयारी कराता हूँ। आज नानक माता में बहुत सारे बच्चे जो कि एक नशे की गिरफ्त में पूरा लीन हो गए थे, एक उनका अलग ही हो गया था सब कुछ, एक चलना, एक वो चीज़ है ना, आज वो सही दिशा में आ गए हैं। आज बहुत सारे बच्चे NCC में हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे स्टेट लेवल में मेडल ला चुके हैं, और कई बच्चे आज भर्ती हो चुके हैं जिनका रिटर्न अभी नहीं हुआ है, तो शायद हाल ही में जल्दी होगा उनका रिटर्न। अच्छा, ये भी है एक पहलू, ये भी आता है कि आप जो बच्चे आपके यहाँ तैयारी करते हैं, आप उनसे एक फ़ीस भी नहीं लेते। तो कई बार ये भी सवाल आता है कि मान के चलिए जो एक आर्थिक पहलू है आपका, वो किस तरह से आप ठीक है आप अर्थ जो अपना एक खर्चा है वो निकाल पाते हैं, या घर जो एक आर्थिक जो आपका रहता है वो कैसे आप पूरा कर पाते हैं उसको लेकर? सर ये चीज़ें तो हैं, कुछ टाइम पे मुझे देखो सुबह के शाम के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और दिन पे काम भी करता हूँ, और बहुत सारे जो समाज सेवी हैं हमारे, वो चीज़ें आर के रस्तोगी जी का बहुत सहयोग रहता है हमारे पे, जिनकी वजह से आज ये चीज़ें चलती हैं, और ये जो संस्थान हमारा चल रहा है मेहता फिटनेस क्लब, और उनका बड़ा सहयोग रहता है, नवीन चौहान जी का बड़ा सहयोग रहता है, जिनके बदौलत आज चल रही है ये चीज़ें वगैरह, सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। तो उनका सबसे पहले मैं रस्तोगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज सब कुछ ये चीज़ें हो रही हैं। और बाकी सर दिन में वो चीज़ें चलाने के लिए मुझे कुछ काम भी करना पड़ता है, दिन पे मैं अपना छोटा मोटा काम भी कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जीवन मतलब ज़्यादा शौक नहीं है मेरे, मैं तो नॉर्मल साइकिल में चलता हूँ, और चीज़ें चल रही हैं सर धीरे धीरे, सब कुछ ठीक ही है, और आगे मैं तैयारी में लगा हूँ और चीज़ों के लिए भी। और मेरा एक सपना है कि कुछ बदले न बदले, लेकिन देश का युवा बदलना चाहिए, अगर उसकी डायरेक्शन, अगर उसकी प्रोग्रामिंग सही से की जाए, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा बड़ा। आज बहुत सारा बदलाव आया है, आज हज़ारों हज़ारों युवा आपके इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस मेरी चलती हैं सर आज के टाइम पे, और सुबह शाम की क्लासेस चलती हैं, तो बहुत सारा बदलाव आ रहा है। तो ज़्यादा सपने हैं नहीं मेरे कि ये चीज़ें हों वो चीज़ें हों, नॉर्मल तरीके से परिवार चल जा रहा है, और मम्मी पापा भी खुश हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ज़्यादातर जीवन जो जीवन है, ज़्यादातर जो सीखा है मैंने बचपन से, मेहनत की, उसे बांटो समाज में, मतलब वो चीज़ें लाइफ युवाओं के काम आए, वो चीज़ें जो मैंने सीखी आज हज़ारों युवाओं में मैं बांट रहा हूँ, और बहुत अच्छा वो चीज़ रिजल्ट भी आ रहा है इसका। अच्छा मेहता जी, ये बताइए, जिस तरह से एक सपना होता है जब हम एक ग्रोइंग एज में होते हैं या हम एक युवा अवस्था में होते हैं, तो एक हमारा ड्रीम रहता है कि हमें पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है, पर्टिकुलर हमें ठीक है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या जो उत्तराखंड के लोग सेना में ज़्यादा तवज्जो देते हैं उसमें जाना है, तो क्या आपका सपना ऐसा कुछ रहा था? सर मेरा सपना था इंडियन आर्मी में, मैं बॉक्सिंग मतलब बॉक्सिंग के फील्ड से भी हूँ मैं, आपको अच्छा। नहीं बताया मैंने, तो मैं स्पोर्ट्स करना चाहता था आर्मी से, बट मेरी चेस्ट वगैरह उस समय कम थी थोड़ा सा, तो नहीं कर पाया था। मैंने हर फील्ड में मतलब टॉप ग्रुप मार रखा है, तो अच्छा। मेरा ड्रीम था एक सेना में, भारतीय सेना में सैनिक बनने का, तो वो चीज़ नहीं हो पाया, लेकिन मैं युवाओं में वो चीज़ देखना चाहता हूँ, जो काफ़ी अच्छी रनिंग थी मेरी, लेकिन मैं कुछ एक्सरसाइज मतलब ज़्यादा कर दी शायद मैंने, जो कि मेरी चेस्ट ग्रो नहीं कर पाई, वो चीज़ें ग्रो नहीं कर पाई, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई थी, मैं सेना का हिस्सा नहीं बन चुका था, नहीं बन पाया था सेना का हिस्सा, और आज लेकिन मेरी वजह से काफ़ी लोग मतलब बन रहे हैं, जो कि वो चीज़ें हैं रनिंग वगैरह मैं कराता हूँ बच्चों को, जिस तरह से मैं पहले। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा एक ड्रीम था, मैं अपने एक स्टूडेंट पर देखता हूँ ताकि वो मेरा ड्रीम पूरा करें, वो मेरा ड्रीम पूरा करें। आज सर कर रहे हैं हर क्षेत्र में, आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ले लो या ट्रैकिंग के क्षेत्र में ले लो, हर तरीके से मैं युवाओं को तैयार कर रहा हूँ सर आज के टाइम पे, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े मेरे पास आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो चीज़ें उनको एक मोटिवेशन के साथ करवाना, और वो करते हैं और ड्रीम पूरा हो रहा है सर, अच्छा लग रहा है आज, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो एक मेरी एक लाइन भी है, तो अगर मैं सेना में नहीं जा पाया तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं कुछ ऐसे लाइन थी मेरे को याद नहीं आ रही अभी, कि मैं सेना में नहीं जा पाया कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आज सैनिक तैयार कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन ये मुझे बताइए कि जिस तरह से एक फ़िज़िकल चीज़ें ज़रूरी होती हैं, फ़िज़िकल एक आस्पेक्ट होता है ज़रूरी, एक दूसरा एस्पेक्ट मेंटली भी होता है, उसके लिए आप बच्चों को कैसे तैयार करते हैं?
सर देखो, बच्चों को हम प्रॉपरली तैयार करते हैं, आपका जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के बाद हमारा रिटर्न टेस्ट भी लिया जाता है उनसे, तो प्रॉपर अगर मोटिवेशन के साथ उसको, बच्चे को सिर्फ दौड़ाना ही सब कुछ नहीं होता है, आप उसको मोटिवेशन करके वो चीज़ें करो तो बच्चा ऑटोमेटिक करता है सर। आज रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, आप कभी क्लब आइएगा, देखिएगा, बच्चे को दोनों तरह से तैयार करते हैं हम, रिटर्न के तौर पे या फिजिकल के तौर पे, तो दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग है बच्चा, काफ़ी बढ़िया वो कर रहा है। आज रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं, अभी हमारा हाल ही में सुरेश राणा नाम का लड़का अभी डिफेंस में हुआ था, सेलेक्ट हुआ था, उनकी आज रंग रूटी भी पूरी हो गई, तो आज क्लब में आए थे तो वर्दी में, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है वो चीज़ को ना, और वो चीज़ें हो रही सर, मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है बच्चा अगर मोटिवेशन के साथ उसे किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें कराई जाए तो वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें होता है। बिल्कुल, जब एक गुरु अपने छात्र को उस कामयाबी पर देखता है तो वो उसकी खुशी अपने आप में उसको बयान नहीं किया जा सकता कि शब्दों में। दूसरा मुझे ये बताइए, जिस तरह से आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, लाइक आप ट्रैकिंग पर ले जा रहे हैं, आप कहीं और जगह ले जा रहे हैं, जिससे बच्चों को एक तरह से और भी ज़्यादा जो एक चीज़ें होती हैं कि उनमें कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और जिनसे वो कुछ सीखते हैं वो भी कराते हैं आप? सर वैसे तो नॉर्मल काफ़ी चीज़ें करवाता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पर कंपटीशन वगैरह कराते रहते हैं, जिससे कि बच्चे को अपनी अहमियत पता चलती है, कि जैसे बच्चा महीनों से तैयारी कर रहा है तो उसे वो चीज़ें देखने के लिए, वो चीज़ें वो करने के लिए हम लोग इवेंट भी करवाते हैं, जैसे हर दूसरे तीसरे महीने में इवेंट कोई ना कोई करा ही लेता हूँ मैं, ट्रैकिंग या रनिंग, बीच में रनिंग हमने करवाई थी, बहुत सारी जगहों में कराई थी, वो अलग अलग जगहों में मैं कराता हूँ, जो कि हमारे समाजसेवी लोगों की मदद से वो चीज़ें हम लोग डोनेशन वगैरह करके ये चीज़ें करवाते हैं, तो बड़ा सहयोग रहता है सबसे, मिले उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो सर इसमें बच्चा दौड़ता है, उसमें हम प्राइज़ वगैरह भी रखे रहते हैं, अच्छे अच्छे प्राइज़, तो इसमें बच्चे का और साहस बढ़ता है कि आने वाली अगले रन में मैं और तैयारी करूँ, और अपनी अहमियत भी पता चलती है कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ, कितना वो चीज़ें हैं, और एक्टिविटी अलग अलग कराते रहता हूँ मैं, कभी ट्रैकिंग वगैरह कभी, जिससे कि बच्चा शारीरिक रूप से तो मजबूत होता ही होता है और मानसिक रूप से भी वो स्ट्रांग होता है। अभी हाल ही में बहुत ट्रैकों में मैंने ले गया हूँ बच्चों को, और काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि आपको मैदानी क्षेत्र में ही सब कुछ नहीं मिल पाएगा, आपको कुछ अलग अगर लेना है तो आपको पहाड़ों में भी, जंगलों में, पानी में, हर चीज़ में उतरना पड़ेगा, तब जाके बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था, वो हार नहीं मानता कभी भी। हर एक परिस्थिति से बच्चा कैसे जूझे वो भी इनकी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। और दूसरा मुझे ये बताइए भाई, आपने कहा कि मैं बॉक्सिंग भी करता हूँ, मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, मैं रनिंग भी करता हूँ, और क्या क्या करते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चले कि आप कितने मल्टी टैलेंटेड हैं? सर मैं उसे बताऊँ तो काफ़ी चीज़ें कर लेता हूँ मैं, बहुत अच्छी साइकिलिंग चला लेता हूँ, और मैं एक रनर से भी हूँ बहुत अच्छा, अगर आप साइकिलिंग और रनिंग का कॉम्बिनेशन मिलाएं तो बहुत हाई हो जाता है, और मैं एक बॉक्सर भी हूँ, ट्रैकर भी हूँ, तो ये चीज़ें सर बचपन में ही, मतलब मैं स्टडी में इतना अच्छा नहीं था, बट जो कि NDA वगैरह मैं क्वालिफाई कर सकूँ, तो किसी अंकल ने मतलब कहा था कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तो काफ़ी समय लगा था मुझे कि क्या वो ऐसी चीज़ है, मतलब क्या वो ऐसी चीज़ है कि जो कोई नहीं कर पाए, तो सबसे मेरे को लगभग 6 महीने लग गए थे उस चीज़ को सर्च करने में कि क्या चीज़ वो चीज़ है, तो पता चला था कि इंडियन आर्मी सबसे स्ट्रांग है, तो इंडियन आर्मी मतलब लेके चलता था मैं वो चीज़ को ना, तो उसी से सारी चीज़ें सीखा हूँ मैं सर, सारी चीज़ें मतलब हर जगह कि आप कोई भी सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव कर सको, तो वही चीज़ें सीखी मैंने, माउंटेनिंग में भी गया मैं, उस चीज़ में भी गया, सारी चीज़ों में गया, तो उनका सब जोड़ मिला के आज इतना स्ट्रांग हूँ मैं। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं तो आपकी डाइट क्या रहती है, क्योंकि बड़ा ही एक जो हेल्थ कॉन्शियस जो होते हैं उनकी डाइट भी स्पेशल होती है, किस तरह का डाइट लेते हैं? सर डाइट तो नॉर्मली लेता हूँ, तो ये तो शायद आपने देखा होगा कि नॉर्मल एक गरीब से गरीब घर का बच्चा भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, और काफ़ी मतलब आपने देखा होगा कभी कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी फैमिली से लड़का है और बहुत कुछ खा रहा है, वो पतला सा होता है, तो डाइट का तो मैं ज़्यादा वो नहीं लगाता, वही नॉर्मली घर से हम तो वही नॉर्मल मट्ठा और नॉर्मल वही चलता है, सूखी रोटी, मतलब मेन होता है कि आप संतुष्टि से कैसे खा रहे हो, मेन वो मायने रखता है सर, डाइट का तो इतना ज़्यादा इश्यूज नहीं है, आप नॉर्मली स्प्राउट वगैरह हम लेते हैं, और नॉर्मली खाने को मतलब तरीके से अगर खाओ तो वो चीज़ें हुए हैं, ज़्यादा हाई फाई डाइट होती नहीं है भाई, हम तो अभी भी नॉर्मली घर से आते हैं, जहाँ मतलब शाम के खाने के लिए भी सर स्ट्रगल करना पड़ता है, और इतना हाई फाई डाइट है ही नहीं मेरी, लेकिन एक्सरसाइज अच्छी है, प्रैक्टिस सही है, और रूटीन से है सर, अगर आप रूटीन से चीज़ों को करेंगे तो फ़ायदा देती है शरीर में, और अच्छा भी लगता है वो चीज़ें करने में ना। जिन मेडल की हम बात कर रहे थे, आप देखिए कि ये जो बंच है, ये जो गुच्छा है मेडल का, ये रवि मेहता जी के मेडल हैं, और ये इन्होंने इन्हें अर्न किया है अपनी मेहनत से, अपने
एक जो जज्बा था इनका उस काम से, थोड़ा मुझे बताइए ये जो आपने मेडल जीते हैं ये किस किस में जीते हैं ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चले। सर ये जो मेडल हैं ये बहुत सारी चीज़ों में मैंने जीते हैं, कोई रनिंग में है, कोई बॉक्सिंग में है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये 42 किलोमीटर मतलब मैराथन का हुआ है, जिसमें कि सचिन तेंदुलकर वहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने मतलब स्टार्ट किया, गो किया, हरी झंडी दिखा के वो किया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि 42 किलोमीटर रन करना कोई मामूली बात नहीं है, जिसमें कि बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी सर, बहुत सारी, मतलब 21 किलोमीटर बाद मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कभी दौड़ा नहीं था, और बात उत्तराखंड की आ गई थी, मेन चीज़ें उत्तराखंड की बात थी, तो कैसे न कैसे मैंने कर लिया। और बताइए और मेडल सर, और भी मेडल इसमें है, ये 12 आवर्स रन वाला है, नॉन स्टॉप 12 घंटे की रन थी सर। अच्छा, तो इसमें भी ये चीज़ें भी मैंने करी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बहुत सारा जोश आता है इनमें, काफ़ी चीज़ें हैं। ये IDBI की 42 किलोमीटर का है, सॉरी 21 किलोमीटर का है, कोई 10 किलोमीटर का है, कोई रनिंग का है, कोई ट्रैकिंग का है, अलग अलग चीज़ें। अभी मैं सारे मेडल नहीं लाया हूँ अपने, अच्छा। कुछ बहुत ही लेके आया हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह हमने शिफ्ट कर रखे हैं। तो आप ये देखिए मेडल का जो है इनके पास भंडार है, या गुच्छा कहिए, जो भी कहिए, ट्रॉफियाँ वगैरह बहुत सारी हैं जिनको मैं लेके नहीं आया हूँ घर से, और साथ में ट्रॉफियाँ भी हैं इनकी। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि खासकर आपने बता ही दिया युवाओं को जो है आजकल जो गलत दिशा में जा रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे, खासकर और एक ये भी कि जो युवा अपने ड्रीम्स को लेकर पाना चाहते हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी जिस किसी भी ये तैयारी कर रहे हैं, तो उसे मन लगा के करो, मतलब 100% दो उसमें। देखो समाज का काम है कि निकम्मा है युवा, वो चीज़ें हैं, अगर उसकी प्रोग्रामिंग सही से ना हो तो वो नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो आपका गुरु कराने वाला सही होना चाहिए, फिर आपको 100% उसमें दोगे तो ऑटोमेटिकली सफलता मिलेगी सर। कोई भी चीज़ें देखो, हम लोग जब चरम सीमा पे होते हैं तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, अब नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, तो शायद मतलब जो मुश्किल होता है ना उसके चंद लम्हों बाद आपको सफलता मिलने वाली होती है, तो छोड़ना नहीं चाहिए, हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो एक अच्छी लाइन भी है वो, अगर आप कुछ भी चीज़ें प्रयास करते हैं तो आपको रास्ते मिल जाते हैं, अगर रास्ते नहीं भी मिलते हैं तो आप एक दिन खुद ही रास्ता मतलब ढूंढ लेते हैं, मतलब ना अपना रास्ता बना लेते हैं, आप खुद इतनी मेहनत कर चुके होते हैं कि ऑटोमेटिक ही बना लेते हैं आप रास्ता। तो रवि मेहता जी, आपसे मिलकर हमें बहुत बढ़िया लगा और आपसे बातचीत करते हुए भी बहुत मज़ा आया। आपने देखा कि रवि मेहता जी को आपने सुना, और इनके फिटनेस क्लब के जो मेंबर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग वॉक में अगर आप खटीमा या नानंगवता की तरफ आते हैं तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इनसे जो बातें कही हैं वो आपने देखी, और इसी के साथ हम ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं।